अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब। क्या आप जानते हैं जो हम गाड़ी के ऊपर स्प्रे पेंट करने के लिए मशीन यूज़ करते हैं, स्प्रे मशीन, उसे हम क्या कहते हैं और वो कैसे वर्क करती है? उसे हम कहते हैं ऑटोमाइज़र, और वो जिस प्रिंसिपल में वर्क करती है अभी हम उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सिंपल एक ऑटोमाइज़र बनाएंगे उसके प्रिंसिपल को समझने के लिए। ऑटोमाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल एक स्ट्रॉ लेंगे और उसके 1/4 पार्ट को हाफ कट करेंगे सीज़र की मदद से। उसके बाद हम इसको इस तरीके से बैंड करेंगे। सिंपली हमारा ऑटोमाइज़र तैयार है। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए सिंपल वाटर लेंगे और उसके बाद इसको हम सिंपली इसके हाफ जो है वाटर के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद हम इसको पीछे से फूंक मारेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ऑटोमाइज़र वर्क कर रहा है। ये हमारे ऑटोमाइज़र का बहुत ही स्मॉल वर्जन था, आपको शायद इसके ड्रॉपलेट्स नज़र भी नहीं आए हों अभी, लेकिन मैं इसका लास्ट में आपको ग्रैंड वर्जन बना के दिखाऊंगा कि उसमें आपको ड्रॉपलेट्स नज़र भी आएंगे। उससे पहले मैं आपको ऑटोमाइज़र बताता चलूं कि वो कैसे वर्क करता है। इसमें सिंपली होता क्या है, जब मैं स्ट्रॉ को पानी के अंदर डिप करता हूं और पीछे से एयर पास कराता हूं, तो स्ट्रॉ के अंदर जो है लो प्रेशर हीटर क्रिएट हो जाता है और पानी के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो फोर्स लगाता है पानी को ऊपर आने के लिए। और जैसे ही पानी ऊपर आता है तो जो हमारे पीछे से ब्लोइंग एयर आ रही होती है वो पानी को बाहर ले जाती है ड्रॉप्स की शक्ल में। इसका बड़ा वर्जन बनाने के लिए हमें सिंपल एक ब्लोअर चाहिए होगा, एक टी, एक 1 इंच का पाइप और एक 4 इंच का पाइप। सबसे पहले हम एक टी लेंगे और उसके एक साइड पे 1 इंच का पाइप लगाएंगे और उसकी एक दूसरी साइड पे हम ये 4 इंच का पाइप लगाएंगे। और उसके बाद हम ब्लोअर लेंगे और उसके जहाँ पे हमने 1 इंच का पाइप लगाया था उसके अंदर इंसर्ट करके हम टेप की मदद से इसे एयर टाइट कर देंगे। अब हमारा ऑटोमाइज़र रेडी है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे।